नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को महाभारत के अंत में एक श्राप दिया था। वो श्राप क्या था जो आज भी फलित है, आमंत्रित करता हूँ आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, युद्ध का 17वां दिन सूर्यास्त हो चुका था। अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र का इस्तेमाल कर कर्ण को मृत्यु के काल के ग्रास में सुला दिया था। युद्ध भूमि में पांडवों की माता कुंती पहुंचती हैं, कर्ण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में रखकर बिलखने लगती हैं। पांडव ताज्जुब हो जाते हैं। जितने भी पांडव थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये बड़े आश्चर्यचकित खड़े होते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके शत्रु के मृत्यु पर माता विलाप क्यों कर रही है। तो नकुल पूछ बैठते हैं कि हे माता, शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों करती हो? ये हमारा शत्रु था। देखो माता, आज हम लोग महाभारत का युद्ध असल में जीत गए। कौरवों की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। मगर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव समझ ही नहीं पा रहे थे कि कुंती रो क्यों रही हैं। कुंती लगातार विलाप करती चली जा रही थी। तभी पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर कुंती के पास जाते हैं और पूछते हैं फिर से वही सवाल जो नकुल ने पूछा कि माता शत्रु की मृत्यु पर शोक क्यों मना रही हो, क्यों रो रही हो, इतना क्यों बिलख रही हो। तब कुंती पांडवों को वो राज बताती हैं जिससे पांडव अनभिज्ञ थे। कुंती कहती हैं कि ये जो पार्थिव शरीर है ना, जिसको तुम लोग अपना शत्रु मानते हो, ये अंगराज कर्ण तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। पांडव कांपने लगते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, ये सब कांपने लगते हैं। आगे कहती हैं कुंती कि कर्ण का जन्म मेरे विवाह पूर्व हुआ था। समाज मुझे ताना ना दे, उससे बचने के लिए मैंने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया था। जब ये सारी बातें पांडवों को पता चलती हैं, तो पांडव मन ही मन सोचते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया कर्ण के साथ। पूरे जीवन कर्ण को इन लोगों ने अपमानित किया सूत पुत्र कहकर। और युधिष्ठिर के मन में कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा भर गया था, क्योंकि युधिष्ठिर यह समझ गए थे कि अगर कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ होते, अगर यह बात सबको पता होती जैसा कि ज्येष्ठ थे, तो शायद यह महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्योंकि कर्ण के पराक्रम, कर्ण की बुद्धिमता, कर्ण के सामर्थ्य, कर्ण की शक्ति पर युधिष्ठिर नहीं सबको भरोसा था। मगर कर्ण अधर्म के पक्ष पर थे, क्योंकि वो अपने वचन से बंधे हुए थे। युधिष्ठिर क्रोध में आते हैं, युधिष्ठिर आत्मग्लानि से भर जाते हैं और एक श्राप देते हैं अपनी माता कुंती को और कहते हैं कि हे माता, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी नारी अपना भेद नहीं छुपा पाएगी। मैं इस श्राप को, लोग कहते हैं कि आज भी यह फलित है, मैं किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट नहीं करना चाहता, मगर मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बताता हूं कि यही श्राप युधिष्ठिर ने कुंती को दिया था कि आज के बाद कोई भी नारी अपना भेद नहीं छुपा पाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।